हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना नीटिंग। आज देखिए, दो कलर में एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। देखिए, बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है और बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, किड स्वेटर, टोपी में डाल सकते हैं इस तरीके से, पजामी में डाल सकते हैं और आप इसे बॉर्डर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर इतनी इतनी पट्टी बनाई है, आप भी इसे इस तरीके से बनाकर ऊपर आप कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा बनकर आया है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इसको बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर हमें 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे बनाएं, 8 के मल्टीपल में फंदे डालें और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखें। 10 सिलाई का हमारा पैटर्न है, यानी कि 10 रोज का ये हमारा पैटर्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 8 के मल्टीपल में फंदे लिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे, तो टोटल हमारे 18 फंदे हैं। देखिए, पहली सिलाई राइट साइड से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। आप देखिए, उल्टी सिलाई, ये भी हम पूरी सीधी बुनेंगे। ये हमारे डिजाइन के सेकंड रो है। देखिए, पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए, पहले 2 फंदे हम बगैर बुने उतार लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से हम अपना कलर अटैच कर देते हैं इसमें। यहाँ से देखिए, एक कलर अटैच करते हुए देखिए, हमें धागे को 2 बार लपेटते हुए देखिए इस तरीके से, सॉरी ऐसे करके 2 बार धागा लपेटते हुए बुनेंगे। देखिए ऐसे, इस तरह से देखिए, हमें 6 फंदे बुनने हैं। देखिए, देखिए 6 फंदे हमने इस तरह से धागे को डबल लपेटते हुए बुन लिए। अभी 2 फंदे बगैर बुने उतार देंगे, फिर से 6 फंदे बुनेंगे। ओके, अब देखिए 2 फंदे हमें बगैर बुने उतारने हैं, इधर भी और इधर भी। तो सिलाई को ऐसे घुमा लेते हैं। अब देखिए, ये फंदे खोलेंगे, वापस से इस नीडल में ले लेंगे, लेफ्ट वाली नीडल में देखिए, और इन 3 फंदों को ऐसे आगे लेकर आएंगे। देखिए, और इन्हें पहले बुनेंगे। देखिए इस तरीके से उल्टा बुन लेंगे इन 6 फंदों को। ये देखिए, ऐसे इन्हें फंदों को ट्विस्ट कर देंगे। अब फिर से 2 फंदे बगैर बुने उतार लेंगे, इन फंदों को खोल लेंगे। ये देखिए, और ये यहाँ पर देखिए, इन फंदों को आगे लेकर आएंगे इस तरीके से। देखिए, और 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से। ये 2 फंदे ऐसे बगैर बुने उतार देंगे। अब देखिए, आ जाते हैं यहाँ पर सीधी सिलाई में। अब देखिए, यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे, यानी कि ये वाला कलर ही जिससे हमने बेस रो बुनी थी, वो सॉरी जिससे हमने सीधी सिलाई बुनी थी, इससे हम इस कलर से पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। ये देखिए, पूरी सिलाई हम इसी कलर से
अपने फर्स्ट कलर से सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से देखिए, अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में, ये भी हम पूरी सीधी बुनेंगे। ये देखिए सिलाई भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। आ जाते हैं सीधी सिलाई में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम ये सेकंड कलर लेंगे और इससे हम दो फंदे बुनेंगे। दो फंदों को बगैर बुना उतार देंगे, दो फंदे बुनेंगे, दो फंदे बगैर बुने उतारेंगे, दो फंदे बुनेंगे, दो फंदे बगैर बुने उतार देंगे, दो फंदे बुन लेंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई में भी इसी तरीके से जो फंदे बुनने हैं उन्हें बुन लेंगे, जो फंदे बगैर बुने उतारने हैं उन्हें ऐसे ही उतार लेंगे। थोड़ा यहाँ पर हम धागे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा नहीं, नहीं तो हमारा पैटर्न ये ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हम इसी कलर से, सेकंड कलर से ही पूरी सिलाई बुनेंगे। देखिए पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। देखिए और ये जो फंदे हमने बगैर बुने उतारे थे इन्हें भी बुन लेंगे। ये देखिए अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए तो यहाँ पर इस तरह से हमारा पैटर्न बन जाता है। ये आपको मैं थोड़ा सा और ये वाला हिस्सा बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए इस कलर से, ध्यान से देखिए, इस कलर से हम पहले दो सिलाई, एक सीधी और एक सीधी बुन लेते हैं, फिर मैं आपको पैटर्न से बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो सिलाई सीधी सीधी बुनकर रख ली है। अब देखिए पैटर्न स्टार्ट करेंगे। दो फंदे बगैर बुने उतारेंगे। अब देखिए धागे को यूँ डबल करते हुए दो बार छह फंदे बुन लेंगे। देखिए दो फंदों को बगैर बुना उतार देंगे, फिर से छह फंदे बुनेंगे ऐसे ही धागे को डबल करते हुए। ये दो फंदे बगैर बुने उतारने हैं, यहाँ भी बगैर बुने उतारने हैं, तो सिलाई को ऐसे टर्न कर लेंगे और ये देखिए फंदों को खोल लेंगे ऐसे करके। वापस से इस नीडल पर लेंगे और ये फंदे आगे लेकर आएंगे। देखिए ये इसमें से ऐसे, और इन्हें पहले बुनेंगे, यानी कि टोटल हमें छह फंदे बुनने हैं, लेकिन ये वाले फंदे हम पहले बुनेंगे। देखिए ये फंदे बगैर बुने उतार देंगे, इन फंदों को खोल लेंगे। देखिए और ये फंदे आगे लेकर आएंगे। ये देखिए और इन फंदों को पहले बुनेंगे। यानी कि छह फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। अब देखिए ये दो फंदे बगैर बुने उतार देंगे। अब यहाँ से देखिए अपने फर्स्ट कलर से इस सिलाई को पूरी को बुनेंगे।
पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे, जो फंदे हमने बगैर बुने उतारे थे उन्हें भी बुन लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा पैटर्न चलता रहता है, देखिए, और बहुत प्यारा बनकर आता है। इस तरीके से बनता रहता है। आप इसे पूरे स्वेटर में भी अप्लाई कर सकते हैं और बॉर्डर की तरह भी बना सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है ये। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पैटर्न? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आप मिस नहीं कर पाएं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। आऊँगी फिर से एक नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।